साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दिए ताकि बहुत होगा और बिहार आगे पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, ये बहुत बोगस बात बात जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना। जाति आधारित गणना पर चर्चा हुई है और 9 पार्टियों के परामर्श से ये निर्णय लिया गया था, तो आज 9 पार्टियों के लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है और जो कुछ भी इसके पहले हुआ है उसके बारे में बताया गया है। आप सबको मालूम है कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम शुरू किया गया। सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़ों को विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया। मैंने जो भी स्थिति आंकड़े से जो कुछ भी आया है उन सब चीजों को पूरे तौर पर रख दिया गया है। हम तो आग्रह करेंगे कि जरा गौर से देख लीजिए जो सवेरे सब लोगों को दे दिया गया है। आप देखिएगा कि एक एक जाति के आधार पर, एक एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। और जब भी हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुनिए बैठिए ना, अरे आप हमारे मित्र हैं, बैठिए ना, मेरा बतवा सुन लीजिए, उसके बाद सुने हम बात कह देंगे, इसके बाद आप कुछ कहना चाहिएगा तो आपका भी सुनेंगे। मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए, हम तो आपका बतवा नहीं, आपको इज्जत कितना करते हैं, आपके घर हम नहीं गए हैं तो क्या चिंता कर रहे हैं, छोड़िए ना, सुन लीजिए पूरा बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है, तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया, अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात है? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था, तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, और अगर इसी को मान ले जाति आधारित जनगणना आप पूरे देश का कर लेंगे, तो आपको आज लगता है कि बिहार में, तो बिहार का जो भी हुआ पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है, बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, तो जो भी है तो क्या है, आप पहले से संख्या बढ़ती ही ना गई है जी। पहले जो था उसमें 8 लाख से कुछ था, और दूसरी बार बढ़ करके हो गया मैंने 10-11 में 10 लाख से आगे, और इस बार बढ़ के हो गया 12 लाख से आगे, 12 करोड़ से। अब इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर में, और वहीं पर जाकर के हम भी थे, और जो कर रहा था एक एक बात वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए, और एक एक बात हमने कहा कि भाई हम लोग इतने हैं, आप भैया का 2 लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए, कह रहे जाना चाहिए ना, हम आपको बता जानने कहे के लिए नहीं, मेरा बतवा सुन लो बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए, आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं, आ कितना न्यूज छपा था,
अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था और सब हमसे पूछ रहा था बात। तो एक एक बात हम कहे सबको करना चाहिए भाई, जो रिपोर्ट आ गया और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं हम जिस चतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है। तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा, इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं अब जो बतवा हो रहा है, अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं आप देख लीजिए, 1,20,000 रुपया दिया जाता है, 1,20,000 दे दिया जाएगा, तब जानते हैं कि बहुत लोग अपना घर बैठे अरे ये सब बात नहीं है। अरे हम तो बैठे, अरे वो सब तो अलग चीज है। तो जो पाया गया अभी, अरे सुनिए ना एक मिनट बात सुनिए, जो पाया गया तब यही सोच रहे हैं कि उन सब लोगों को जमीन के लिए 60,000 खरीदने के लिए 60,000 रुपया से बढ़ा के 1,00,000 रुपया का मदद कर दिया जाए आप सबको, एक लाख कर देंगे और बाकी जो 1,20,000 बनाने के लिए है तो अभी कह रहे हैं। अरे आगे और जरूरत पड़ेगा तो आगे जो भी बढ़ाना हो। अब एक और चीज है, उपरोक्त दोनों, अब सुनिए ना एक मिनट, आप लास्ट हम बोल रहे हैं, एक सेकंड में सुन लीजिए ना, अगर ये दोनों चीज आपको बता दिए कि ये किया जाएगा तो आपको हम बता दें, हमने एक एक आंकड़ा एक एक चीज हम देखे और खुद सोचे तो उसमें हमने देखा कि 2,50,000 करोड़ रुपया लगेगा, तो 2,50,000 करोड़ रुपया यानी दोनों कामों के लिए कह रहे हैं कि दोनों कामों के लिए जो भी हम बोले उसको मदद करेंगे तो 2,50,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको 5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर दें ताकि 50,000 रुपया दें। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो आपको और मदद होगी, तब 5 साल नहीं लगेगा, तब 2-2.5 साल में सबका हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये तो कह रहे हैं, तो इसीलिए राज्य के महिलाओं के जीविका स्वयं, अब एक और बात हम बताते हैं, अरे राज्य के महिलाओं के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह तो हम लोग बताए हैं और उसकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है। तब हमारी इच्छा है कि अब शहरी क्षेत्र में भी हम लोग जीविका से ही जोड़ रहे हैं तो उसी को जोड़ रहे हैं और बाकी और भी हर जाति में गरीबी है तब सबको प्रेरित किया जाए, और चाह रहे हैं कि अब जो हमारा 10 लाख से ज्यादा है ये जीविका स्वयं सहायता समूह का, अब उसको कम से कम 1.5 लाख और बढ़ा दें बहुत जल्दी, अब फूल मिला करके जो जीविका दीदियों की संख्या है 1,30,00,000, तो बढ़ के 1,50,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगी, तो कितना ज्यादा खुशी है, तो इतना ज्यादा सब जीविका दीदियां बन करके और अपने परिवार का तो सब तरह का घर बनाने के लिए भी दे रहे हैं, वो कोई घर अपना काम करे उसके लिए भी दे रहे हैं, और उसके अलावे हम कह रहे हैं परिवार में जो जीविका से जुड़ जाएंगी तो उनको भी मदद मिले, तो ये भी एक हम सोच रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी भी जो दिया जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना, शांति बनाकर एक अलग हम करवाए ना, बोल रहे हैं एक तो जीविका दीदियों के अलावे एक सतत जीविकोपार्जन योजना जो शुरुआत, अरे बैठे सुनिए बैठे, अरे सुन लीजिए ना बाद में कहिएगा ना सबका सुनेंगे, अरे सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोग बनाए, तो सतत जीविकोपार्जन योजना का जो बनाए हैं तो अब तक 1,65,000 लोगों ने इसका लाभ लिया है, तब इसमें हम लोग मैक्सिमम मदद उसको 1,00,000 रुपया का करते हैं, अगर 2,00,000 रुपया का मदद कर देंगे तो इससे और ज्यादा संख्या जो गरीब गुरबा परिवार का है,
मतलब आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह के अलावे सतत जीविकोपार्जन योजना का भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जाति आधारित गणना में अब सुनिए ना, पंचायत का बात आपको लास्ट में बता रहे हैं, अरे सुनिए ना, वैसे सुनिए आप एक लास्ट बात सुन लीजिए, सुन लीजिए आप आसान न रहे। इस जाति आधारित गणना में वैसे पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है। साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलाएगा। आप जो बोल रहे थे पंचायत का, तब पंचायत का भी कर कि जाति गणना के साथ साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर खाली जाति गणना नहीं कराए हैं, बल्कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवा लिए। इन दोनों के आधार पर इन ऐसी ऐसी नीतियां बना करके, नीतियां योजनाओं से समाज के गरीब एवं हाशिए पर अवस्थित लोगों का विकास होगा और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है। जिस दिन हम काम संभाले हैं भूलिए मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ तो ये सब काम शुरू कर दिया जाएगा, और अगर केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा करके, और हम तो आग्रह करेंगे उनसे भी कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सबका ले लीजिए और उसी से और नीतियां वहां से बना दीजिए, तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा। हम तो केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे, और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हम लोग ये सारी रिपोर्ट आज यहां मीटिंग हो रही है और राज विधान परिषद में भी हो जाएगा, उसके बाद सब हम लोग केंद्र सरकार को भी ये सारी बातों को भेज देंगे कि आप लोग भाई आगे और जो करना है करिए। अब हम लोग तो यहाँ पर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ के सुधार के लिए हम लोगों की हैसियत है, उसको करेंगे, लेकिन साथ साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, ताकि बहुत उत्थान होगा और बिहार बहुत आगे बढ़े।